गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं एक चरों के द्विघात समीकरणों का। तो उसके अंतर्गत आज हम इस तरह के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि यदि हमको कोई मूल प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो उस मूलों का प्रयोग करते हुए हम वर्ग समीकरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि माना किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो इसका जो सूत्र हमारे सामने निकल कर सामने आता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स मूलों का गुणनफल। तो ये हमारे पास इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण के लिए, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल जो जीरो। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण तैयार होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हमारे पास मूल 7 और 4 है, तो उस स्थिति में हम उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मूल 7 व 4, तो वर्ग समीकरण का हमको निर्माण करना है, तो हम अल्फा की जगह 7 और बीटा की जगह 4 पुट अप करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 एक्स प्लस 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 विच इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार अगर कोई भी मूल हमको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। यदि मूल 2 माइनस रूट 3 व 2 प्लस रूट 3 हो, तो अगर मूल 2 माइनस रूट 3 व 2 प्लस रूट 3 हो, तो अल्फा की जगह 2 माइनस रूट 3 और बीटा की जगह 2 प्लस रूट 3 लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो इसके आधार पे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें अगर मूल पता है, तो हम आसानी से द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण का निर्धारण कर सकते हैं।